एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के 5 दिन के लापता होने के बाद आज मिला शव। एक कलयुगी पिता ने 3 बेटियों से 5 सालों तक किया लगातार रेप, अब पुलिस की हिरासत में। कोरी देवल कुमार देव ने हमारा राष्ट्रीय दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, भात बंदी के दौरान उषा रानी कोरी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कानपुर से गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ संघवी बुधवार से लापता होने के मामले में आज पुलिस को संघवी का मृत शरीर बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस ने सरफराज शेख नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूछताछ के दौरान संघवी की हत्या की बात कबूली है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तक पुलिस को सिद्धार्थ की लाश बरामद नहीं थी, लेकिन आज जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने संघवी के मृत शरीर को खोज लिया है। पुलिस के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल मामले में एक से ज्यादा व्यक्तियों का हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ किरण सिंघवी का शव कल्याण हाईवे से बरामद किया गया है। सिद्धार्थ के लापता होने की गुत्थी मुंबई पुलिस ने लगभग सुलझा ली है। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के 20 साल के एक मजदूर को हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम रईस उर्फ सरफराज शेख है। पुलिस के मुताबिक रईस नाम के इस शख्स ने खूनी के इशारे पर सिद्धार्थ सिंघवी की लाश को कल्याण हाईवे के पास ठिकाने लगाया है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कहा है कि उसे हत्या के लिए सुपारी दी गई है, जिसके बाद उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने हत्या के बाद संघवी के शरीर को उनकी कार से हटा दिया। आरोपी की पहचान मजदूर के रूप में हुई है, जिसे बैंक की हत्या करने के लिए किराए पर हायर किया गया था। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह भी बताई है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि सिद्धार्थ की हत्या प्रोफेशनल जलन की वजह से की गई है। पुलिस ने इस मामले में जुड़े 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक औरत भी शामिल है। लोअर परेल की NM जोशी मार की पुलिस ने छानबीन के बाद मालाबार हिल में रहने वाले सिद्धार्थ की हत्या इन चारों की संलिप्तता की बात कही है। फिलहाल इनके नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सिद्धार्थ की कामयाबी इन लोगों को खटक रही थी और जलन की वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार आरोपी 4 लोगों में से एक है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि संघवी के हाल में मिले प्रमोशन से नाराज हुए उनके एक सहयोगी ने एक व्यक्ति को उनकी हत्या करने के लिए किराए पर लिया था। जांच करी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया गया आरोपी को आगे की जांच के लिए NM जोशी मार्ग थाने को भेज दिया है। SDFC बैंक के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ संघवी बुधवार 5 सितंबर से मुंबई कमला मिल्स स्थित अपने ऑफिस से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए थे। जब मामले की पुलिस जांच शुरू हुई तब उनकी कार कॉपर खैराना इलाके में गुरुवार 6 सितंबर को खड़ी मिली थी। SDFC बैंक के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ संघवी की बरामद कार पर पुलिस को खून के धब्बे मिले हैं, जिसके सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। बस डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। परिवार के नजदीकियों ने एक व्यक्ति ने बताया कि सिद्धार्थ बेहद सज्जन थे और हमेशा सबसे प्यार से ही बात करते थे, पर वह एक पारिवारिक आदमी थे और क्लब वगैरह तक नहीं जाते थे। उधर DCP दोषी ने बताया कि शेख ने केस से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब चीजें बताई हैं। उसने बताया कि उसने सिद्धार्थ का मर्डर नहीं किया है, बस डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था, लेकिन उसने अभी तक नहीं बताया कि डेड बॉडी फेंकी कहाँ थी। मामले में अभी तक सिर्फ अपहरण की धाराओं में केस दर्ज है, अभी मर्डर का केस दर्ज होना बाकी है। नवी मुंबई पुलिस ने शेख की आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। सिद्धार्थ के साथ कार में थे 3 लोग। पुलिस के मुताबिक मंगलवार हिल में रहने वाले सिद्धार्थ को लोगों ने आखिरी बार बुधवार शाम कमला मिल्स कंपाउंड स्थित दफ्तर से करीब 8:30 बजे घर के लिए निकलते हुए देखा था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। जांच के दौरान CCTV फुटेज में यह सामने आया है कि अंतिम बार संघवी की कार में 3 और लोग मौजूद थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इमेज अभी क्लियर नहीं है और ऐसे में उस रास्ते में कुछ और जगहों से CCTV फुटेज मंगा कर उसकी भी जाँच की जाएगी। गुजरात के पोरबंदर से एक कलयुगी पिता को गिरफ्तार किया गया है। यह एक पिता पर आरोप है कि उसने एक के बाद एक अपनी 3 बेटियों से कई बार रेप किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने रविवार को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सबसे पहले पिता ने अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ रेप किया, जो कि 9 साल की है। उसके बाद दूसरे नंबर की 14 साल की बेटी और फिर सबसे बड़ी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पिता ने सिर्फ एक बार नहीं कई बार 3 लड़कियों का शोषण किया है।
बच्चों ने बताया कि बीते 5 सालों से उनका पिता उनके साथ रेप कर रहा है। तो वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि बीते 5 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसकी 3 बेटियां और 15 वर्षीय बेटा जूनागढ़ के एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ाते थे। जब वह वहां जाकर अपनी सबसे बड़ी बेटी को लेकर आया और उसके साथ रेप किया, तब बेटी ने इसका विरोध किया। सबसे बड़ी बेटी के खुलासे के बाद अन्य दोनों बेटियों ने भी पिता की करतूत बताई। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर कमला बाग HM पटेल ने बताया कि वह स्कूल की छुट्टियां होने पर अपनी सबसे छोटी बेटी के ले आता था और उसका शारीरिक शोषण करता था। उसके साथ कई बार ऐसे करने के बाद उसने अपनी 14 साल की बेटी को निशाने पर लिया। इसी तरह वह उसे भी घर लाकर उसका शारीरिक शोषण करता था। उसने जन्माष्टमी के दिन 3 सितंबर को भी अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इधर बेटियों ने बताया कि मेरे पिता हम लोगों को धमकी दिया करते थे कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम लोगों को ही उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। डर की वजह से बहनें अपने पिता की करतूत को सहन करती रही। तो वहीं 3 सितंबर को जब बच्ची से पिता की हरकत बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने वापस आकर सबसे बड़ी बहन को घटना बताई। उसने भाई को जानकारी दी। उसके बाद दूसरे नंबर वाली बहन ने भी पिता द्वारा शोषण किए जाने की बात कही। उसी समय चारों भाई बहनों ने फैसला लिया कि हम सब मिलकर पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। चारों थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। FIR दर्ज कर तत्काल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने बच्चियों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले की छानबीन करके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारा दल पार्टी की प्रांतीय बैठक का आयोजन 9 सितंबर को कानपुर के SR बैंकेट हॉल में किया गया। 2019 चुनाव का रण शुरू हो गया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। तो वहीं अगर भारत की राजनीति की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति की बू आती है। हर पार्टी अपनी धर्म और जाति के अनुसार पहचानी जाती है। उसी के चलते 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत दलों का राजनीति में प्रतिनिधित्व तलाशना स्वाभाविक सी बात है। कब हुआ हमारा दल का गठन? इसी कड़ी में कोरी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाली एक और पार्टी ने अपनी भागीदारी दिखाई है। उस पार्टी का नाम है हमारा दल। इस पार्टी का गठन 2010 में कोरी समाज के उत्थान के लिए किया गया है। इसके संस्थापक स्वदेश कोरी हैं। स्वदेश कोरी जी वर्तमान में हमारा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोरी देवल कुमार देव बने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारा दल से अपनी पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने के लिए कोरी देवल कुमार को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। देवल कुमार ने कोरी समाज के लिए बढ़ के कई कार्य किए हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले देवल राम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रह चुके हैं। उन्होंने अकेले अपने दम पर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए न सिर्फ सरकार से भिड़े हैं बल्कि ट्रेनों को भी रोका है। गौरतलब हो कि रविवार यानी 9 सितंबर को कानपुर में हमारा दल पार्टी की मीटिंग के दौरान पार्टी के बहुमत से इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जानते हैं क्या कहा स्वदेश कोरी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वदेश कोरी ने बताया कि हमारा दल सब गुरु कबीर साहब को बताए गए रास्ते पर ही चलेगा। हमारा दल कबीर पंथियों के उत्थान के लिए ही कार्य करेगा। मुख्य उद्देश्य के तौर पर कबीर पंथियों को भी राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर देश में 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिलने लगा है। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष के भारत बंद का असर देश भर में दिखाई देने लगा है। जहां एक और बिहार के जहानाबाद में RJD कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी की, तो वहीं आरा में लेफ्ट ने NH-30 को जाम किया। कांग्रेस के भारत बंद में 21 विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। हम आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान कानपुर में भी इसका असर देखने को मिला। भारत बंद के उपलक्ष्य में कानपुर के कल्याणपुर में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सचिव उमा रानी कोरी ने जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रेल रोकने व GT रोड पर यातायात बाधित किया, जिस वजह से वहां पर खड़ी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, भारत बंद के दौरान आज कानपुर नगर में प्रदर्शन के दौरान वहां पर मौजूद सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी सभी कार्यकर्ता पुलिस लाइन लाए गए। तो वहीं गिरफ्तारी के दौरान पुलिस लाइन में मोदी सरकार के प्रति सभी ने आक्रोश दिखाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सर्वश्री पूर्व सांसद राजा राम पाल, प्रदेश कांग्रेस का सचिव उषा रानी कोरी, रामेंद्र सिंह मुन्ना भैया, जयशंकर द्विवेदी, मदन गोयल राखरा, रामा दुबे, प्रगत सिंह कटियार सहित बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।